असल माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है आप सबका मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलग का शुक्र है एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग आज का जो व्लाग है वो है मेरे सिडनी ट्रिप के बारे में रिसेंटली वी विजिटेड माई सिस्टर इन सिडनी तो मैंने उसका जो है वो छोटा सा व्लाग रिकॉर्ड किया है इट्स अ लिटिल फन व्लाग जिसमें मैंने शेयर किया है हाउ आई पैक माई स्टफ़ फॉर सिडनी एंड दैट्स हाउ यूजअली आई पैक माई स्टफ फॉर ऑल द हॉलीडेज एंड वेकेशन एंड देन किस तरीके से मैं अपना घर साफ करके जाती हूँ सो so, इसमें लिटिल क्लिप uh, ऑफ माई वेरी छोटा uh, सा होम टूअर एज वेल शामिल है एंड देन एंड में जो है मैंने अपनी बहन के घर uh, का जो लाउंज है उसकी उसके टूअर की काफ़ी ज़्यादा फरमाइशें आई थी मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर सो so, मैंने uh, बिल्कुल एंड में वो भी रिकॉर्ड किया है सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टू वॉच द लॉन्च टूर ऑफ माई सिस्टर्स होम अच्छा जी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि मैं हॉलीडेज़ के लिए जब भी पैक करती हूँ तो किस तरीके से करती हूँ सो so, uh, मैं सारे ड्रेसेज ये ट्राई किए हैं uh, कौन सी शर्ट किसके साथ किन पैंट्स के साथ अच्छी लग रही है किस स्कर्ट के साथ अच्छी लग रही है कौन सा ड्रेस uh, किस कार्डिगन के साथ अच्छा लग रहा है ये मैंने सारा ट्राई किया है मैंने ज्वेलरी भी ट्राई की है देन फाइनली आई केम टू अ कंक्लूजन इनको मैंने इस तरीके से भी रख के um, आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आ, किस तरीके से मैं पैक करती हूँ पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो मैं एटलीस्ट टू रखती हूँ और तीसरा जो है वो मैं पहन के जाऊँगी एक बंद और एक खुले जूते मैं ज़रूर रखती हूँ एंड आई मेक श्योर कि कम्फर्टेबल हूँ सारे के सारे जूते जो मैं हॉलीडेज़ पर लेके जा रही हूँ कभी भी अनकम्फर्टेबल जूता हॉलीडेज़ पर नहीं लेके जाना चाहिए अच्छा जी ये मैंने पैंट्स कॉटन पैंट्स हैं क्योंकि गर्मी है सिडनी में तो इसलिए मैंने ये पैक की हैं साथ इसके ये फुल स्लीवस टी है और इसके साथ मैं ये नेकलेस पहनूँगी ठीक है साथ में कोई भी पर्ल के स्टड्स जो है वो तो मैं हर वक्त पहनती हूँ तो वो तो मैंने ऑलरेडी पहने हुए होंगे मेरे पास होंगे तो मैं वो पहन लूँ उसके अलावा ये एक स्ट्रेट uh, मैक्सी uh, है और uh, ये भी uh, जो है वो कॉटन uh, मटेरियल की है बिकॉज़ वहाँ पे गर्मी है मेरी बहन ने बताया है। तो उसके ऊपर जो है मैं ये बिकॉज इट्स अ स्लीवलेस और मैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ सो so मैं इसके ऊपर ये पतली सी uh, कार्डिगन है जो कि मैंने दो डॉलर की ली थी टारगेट्स आप लोगों को स्टोरीज़ में दिखाई थी इंस्टाग्राम पर ऊपर पहनूंगी साथ में ये थोड़े से इसको ट्रेडिशनल रखना चाहती हूँ सो so मैंने ये ट्रेडिशनल झुमकी uh, जो है ये इसके ऊपर uh, पहनूंगी उसके बाद ये मैंने एक uh, जीन्स पैक की है और uh, इसके साथ मैंने ये एक कॉटन की शर्ट अगेन पैक की है टारगेट से ली थी ये मैंने एंड uh, इसके साथ मैं ये ब्रेसलेट्स वगैरह मेरे पास थे ब्लू कलर के मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या मौजूद है ऑलरेडी और क्या मैच हो सकता है आई डोंट बाय न्यू स्टफ़ एवरी सिंगल टाइम कभी कभी बहुत कम ले भी लेती हूँ बट इट्स लाइक के मोस्टली uh, मैं नहीं बाय करती और ये मेरे पास एक लॉकेट पड़वा था सोचो सो, सो मैंने सोचा कि मैं ये भी साथ इसके मैचिंग uh, पहन लूँगी साथ में जो है इसके साथ भी मैं पर्ल के स्टड्स पहनूँगी साथ मैंने एक एक्स्ट्रा टी शर्ट पैक कर ली है इन केस ऑफ इमरजेंसीज़ आई ऑलवेज़ पैक एक्स्ट्रा मैंने चार दिन रहना है तो मेरे चार मेन ड्रेसेज हैं बट आई विल डेफिनेटली पैक टू एक्स्ट्रा ड्रेसेज एज वेल ये वाइट स्कर्ट है जो मैंने एच एम से लिया दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई वॉट अ न्यू फॉर दिस ट्रिप उसके अलावा बाकी सब पुराना माल है ठीक है और ये भी एच एन एम से है फुल स्लीवस टी शर्ट है हाईनेक कॉलर है इसका और साथ इसके मैं ये uh, मेरे पास नेकलेस पड़ा हुआ था पुराना वो आज मैंने निकाला है सो उसके साथ मैं ये पहनूंगी एक बैग मैं साथ लूंगी वही मैं साथ लेके जाऊंगी और उसी मतलब लाइक ड्यूरिंग like, माय ट्रैवलिंग मैं उसको ही कैरी करूंगी और ये मेरा छोटा सा बैग है इसके अंदर सारा सामान जाएगा एंड देन छोटा हैंड कैरी का और ये अरूष का भी मैंने सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ पे रख लिया जो मुझे पैक करना है एंड देन अगेन मैं इसको पेयर्स बना के और सही से पैक करूँगी अच्छा चलिए जी मैं पैकिंग करती हूँ वो मेरा मेकअप के सामान के लिए मैंने चीज़ें ली हैं उसमें मैं वहाँ से बस उठाऊँगी अपनी ज़रूरत की चीज़ें और उसमें डालती जाऊँगी ये जो छोटा वाला बैग है ये मैंने ज्वेलरी के लिए रखा है ये सारे ज्वेलरी आइटम्स उसके अंदर जाएंगे रिंग्स वगैरह भी तो मैंने रख ली हुई हैं ऑलरेडी सो so, वो भी मैं पैक करूँगी ठीक है अच्छा जी घर जो है वो मैंने आ, पूरा क्लीन कर लिया है आ, मुझे हमेशा साफ़ सुथरा घर छोड़ के जाना अच्छा लगता है ताकि जब हम वापस आएँ तो आ, हमें साफ़ सुथरा घर मिले और मज़ा आए सो so, ये देखिए अरुज साहिबाइजी so, We are about to leave, और अभी रोश कर उसके बाबा के ड्रामे शुरू होने गे। हाँ रोश, you happy and excited? Yeah, yeah. We are going to drive to airport ourselves. because it's really far. और ये drama शुरू हो चुके हैं। बस कर दो। We are not going to Pakistan. We are only going to Sydney for two days.

ये हमने विजिट किया जो कि इंतहाई खूबसूरत जगह है बहुत 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 प्यारी जगह है और अगर आप सिडनी विज़िट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मस्ट गो प्लेस है ये और पिक्चर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट किस्म की है बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी सीनरी है और लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये इसकी मेन एंट्रेंस है go, और ये इधर बाहर जो है छोटे से फाउंटेंस बने हुए हैं किड्स इन्जॉयड अलॉट अब जी एक बड़ा ही खूबसूरत सीनिक स्पॉट है जो हम देखने जा रहे हैं वॉक करके आ, बिल्कुल पास ही पार्किंग थी आ, पार्किंग का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ था क्योंकि हम वीकडेज में गए थे और आ, दिस प्लेस इज़ अ ब्रैथ टेकिंग प्लेस आ, मैं जो है वो सिडनी में ऑलमोस्ट दो तीन साल रही हूँ लेकिन मैंने आज तक ये स्पॉट नहीं देखा था एंड थैंक्स टू माई सिस्टर कि वो मुझे इस जगह पर लेकर गई और अभी हम उस जगह की तरफ ही वॉक कर रहे हैं आ, स्लोली और एंड में मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कितनी प्यारी जगह लाइक like, और आई वुड से कि सिडनी का वन ऑफ़ दी मोस्ट ब्यूटिफुल स्पॉट है ये इसका नाम है मिसिज़ मेकरीज चेयर और यहाँ से ओपरा uh, हाउस का और जो है हाबर uh, ब्रिज है उसका एक बहुत ही प्यारा व्यू नजर आता है विच इज अमेजिंग 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 अच्छा जी सिडनी में फ़ूड में आ, अगर स्टूडेंट बिरयानी के बाद कोई मस्त ट्राई चीज़ है तो वो रशेस कैफ़े है इट्स हलाल और उसके काफ़ी ज़्यादा सारी ब्रांचेस हैं हम लोग जब सिडनी में थे तो तब भी ये था वहाँ पे और आ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था एंड अब मैं जब भी सिडनी जाती हूँ आई डू 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 गो टू रशेज़ अच्छा जी अब आ गई है फाइनली लाउंज टूर की बारी सो so बेसिकली ये जो लाउंज एरिया है ये आ, पहले गैराज था मेरी बहन के घर का एंड उसका जो लाउंज एरिया था इट वाज नॉट रियली बिग और तीन बच्चों के साथ शी वाज हैविंग स्पेस इश्यूज सो शी केम अप विद एन आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग हर गैराज इन टू लिविंग स्पेस और ये बहुत ही ख़ूबसूरत लिविंग स्पेस जो है वो क्रिएट uh, हुई है ये पूरी की पूरी मेरी बहन ने ख़ुद डिज़ाइन की है uh, मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ uh, ये जो ब्लू वॉल नज़र आ रही है आपको ये शी हैज़ पेंटेड इट हर सेल्फ़ ख़ुद उसने और उसके मियाँ ने मिल के पेंट की है एंड दैन इसने कॉर्नर में इसमें एक uh, एक्चेयर रखी हुई है Uh, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लूज़ का किया है बेसिकली इसने दो सिटिंग एरियाज बनाए हैं एक बड़ा और एक छोटा एंड देन जो है उसके साथ ही डाइनिंग एरिया भी बनाया है बेसिकली बर्ड केज थीम इसने रखी है दो वॉल्स पे ये इस तरीके का वॉलपेपर लगाया है एक दीवार पे डिफरेंट वॉल पेपर है एंड देन एक वॉल पे उसने पेंट किया है आई जस्ट लवट लव लव दीज शैंडल्स और ये बहुत ही इसको प्यारा लुक दे रहे हैं आई लव द बर्ड वाले कुशन्स एज वेल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन था आई लव हर कलरफुल रग एज वेल ये जो टेबल है ये भी प्लेन शीशा था इसके ऊपर उसने गोल्डन विनाल एडहेसिव लगा के जो है वो डी आई वाई किया हुआ है अच्छा वो एक एरिया था अब ये जो है ये टू विद टू ऑरेंज चेयर्स एंड टू येलो कुशंस एंड वन येलो फुट स्टूल एंड देर इज़ आ लिटिल ये जो है रग बिछाया हुआ है ये एक सेपरेट सिटिंग एरिया बना दिया है सो ये दो बेसिकली सेपरेट एरियाज हैं हो गए एंड देन इसके सामने उसने छोटा सा एक ट्रॉली टेबल एंड एक बफे टेबल रखा है जिसके ऊपर उसने फूड के लिए जो फूड वॉर्मर है उसकी सेटिंग की हुई है हमेशा से इसी तरह रखती है आई जस्ट लव दिस एंटीक looking mirror. और ये जो है ये basically meter है उसका जिसको उसने DIY वाई कर दिया है ताकि ये ऑर्ड ना लगे उसके ऊपर इसने स्टिकर लगा दिया है टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा था मुझे ऐसा ही लगा उसने कोई डिज़ाइन uh, क्रिएट किया हुआ है और कोई बॉक्स रखा है और उसके ऊपर प्लान रखा हुआ है और ये ऊपर से बेल जा रही है बट uh, 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 जब मैंने क़रीब जाके देखा तो आई रियलाइज के वो बेसिकली मीटर बॉक्स था Uh, ये शीशा देखें इट्स इट्स सो 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 गुड कंट्री थीम इसकी जो है वो लुक है uh, ये वाला वॉल पेपर भी मुझे बहुत प्यारा लगा इसके ऊपर ये जो वाइट uh, है लाइट ब्लू कलर का वॉल uh, पेपर है और उसके ऊपर ये वाइट कलर के एम्बोज हुए हुए हैं फ्लावर्स इट्स गोइंग परफेक्ट विद ऑल दिस फर्नीचर और इसका जो लुक है उसके साथ आई रियली लव्ड हर ये जो इसने रखा हुआ है बफ़े टेबल ये मुझे बहुत प्यारा लगा वैसे तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी है बट uh, uh, ये येलो मिरर है जो कि इसी सिटिंग एरिया के साथ जा रहा है आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम आइकिया दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी Uh, बाकी चीज़ें उसने डिफरेंट शॉप से uh, ली थी एंड uh, मुझे सबके नाम याद नहीं है दिस अनदर शैंडियल विद वाइट लाइट इज़ ऑल्सो फ्राम एन एंटीक शॉप इन सिडनी इफ़ यू गैस वॉन्ट टू नो आई जस्ट आस्क हर द डिटेल्स अच्छा ये जो बाहर वाला एरिया है ये नज़र आ रहा है आपको बैक यार्ड की तरफ जो खुलता था uh, वहाँ से इसने वो uh, गैराज का डोर हटा के उस पर यह फ्रेंच डोर लगाया है टू uh, साइड्स के साथ uh, जो दो uh, दरवाजे खुलते हैं मोस्टली uh, ऑस्ट्रेलिया में ये डोर्स मैंने नहीं कहीं देखे लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा था एक दरवाज़ा जो होता है उस वाले डोर्स होते हैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन घरों में ये इस थीम के साथ ये रग भी बहुत प्यारा लग रहा है फेवरेड स्टाइल का आजकल बहुत इन है ये डाइनिंग टेबल का पूरा सेटअप है इस साइड पे और ये एक छोटा सा इसने दोबारा एक कॉर्नर बना दिया जहाँ पे दो फुट स्टूल्स रखे हैं एंड वन मिरर इसम एंड लेफ़्ट साइड पे भी ये देखिए ये वाला जो वॉल पेपर है उसने दो जो अपोजिट वॉल्स थी उन पे ये बर्ड्स uh, वाला जो है वॉल पेपर लगाया हुआ है हेलो अच्छा जी ये एक साइड पे मिरर रखा हुआ है विच इज़ अगेन गिविंग अ वेरी वेरी अमेजिंग लुक और उसके ऊपर उसने ग्रीन कलर के जो है वो हैंग की हुई हैं दो uh, बेले ग्रीन लीव्स गार्लेंड्स हैं बेसिकली ये दे आर फ्राम के मार्ट और ये जो इसके ऊपर कोस्टर्स uh, uh, पड़े हुए हैं डिनर डाइनिंग टेबल के ऊपर दे आर फ्रॉम के मार्ट एज वेल आई थिंक डाइनिंग टेबल का आई एम नॉट श्योर वेयर डिड शी गेट इट फ्रॉम बट आई कैन आस्क इट फॉर यू गाइज डू सेंड मी लीव अ कॉमेंट ऑन द व्लॉग एंड आई लेट यू नो इफ यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्स दिस इज़ द होल ओवरऑल लुक ऑफ द हॉल और ये काफ़ी लंबाई में है बेसिकली इसीलिए उसने तीन सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि ओढ़ ना लगे अगर पूरा एक ही कलर का सब कुछ करती तो वो इतना मज़े का नहीं लगना था आई होप दैट यू liked uh, this vlog and this little tour. Give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel.